नमस्कार, मैं हूं अमोल और आज के वीकेबी के इस खास प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बोल बिंदास बोल। और एक बहुत ही खास मेहमान जो है वो आज हमारे साथ है, जिनसे कई सारे बातों पर, विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि हमारे लिए जो एक बहुत ही खास मुद्दा है उस मुद्दे पर उनसे खास बात होगी। तो हमारे साथ है विदर्भवादी नेता नितिन जी। नितिन जी रोंगे तो बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे ही मैंने कहा कि हमारे लिए बड़ा स्पेशल विषय है क्योंकि हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं और पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि हमें सेपरेट होना चाहिए, हमें अलग होना चाहिए। इलेक्शंस आते तो सब लोग बातें करते कि होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कुछ बयानों का भी मैं उल्लेख करूँगा प्रोग्राम में आगे। आपको क्या लगता है, ट्रेन रुक कहाँ जाती है, शुरू तो हो जाती है? इस मिट्टी को शायद एक शराब है, इस विदर्भ की मिट्टी को एक शराब है कि यहाँ के जितने लीडर बनते हैं, एक मराठी में कहावत है कि यांचे पाय मातीचे निकतात, इनके पैर मिट्टी के निकलते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस रीजन का कि यहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी से, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं देना चाहता हूँ आज, हर पॉलिटिकल पार्टी से का हर नेता जिसका पॉलिटिकल करियर डगमगा रहा हो या जिस किसी पार्टी को जनाधार ना हो, वो विदर्भ का मुद्दा लेती है, उनके अपने MLAs MPs चुनवा के लाती है और जैसे ही ये लोग मुंबई जाते हैं इस मुद्दे को भूल जाते हैं। तो इन शॉर्ट इमोशनल कार्ड खेलते हैं यहाँ के लोग। एग्जैक्टली। देखिए अमोल, इस सब में एक बात बहुत ज़रूरी है कि विदर्भ की तकरीबन 97% जनता जो है वो स्वतंत्र विदर्भ राज्य चाहती है, वो स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए इच्छुक है। लेकिन वो जब हर बार देखती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी एक लेवल पर अगर उसका काम नहीं चल रहा है, अगर उसके लोग नहीं उसको साथ जुड़ रहे, वो विदर्भ का मुद्दा हाथ में लेती है, उसको भर भरा के चुन के देती है। अगर आप 2014-2019 के इलेक्शंस देखे हो या उससे पहले के, जिस पार्टी ने विदर्भ का मुद्दा लिया उसका ग्राफ ऊपर जाता है और जैसे ही वो चुन के आती है और उसके लीडर्स जिस दिन मुंबई में सेटल हो जाते हैं वो विदर्भ के मुद्दे को भूल जाती है। बीच में आप लोगों ने एक पोल भी कराया था जहाँ पर आपने लोगों से पूछा था कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो रिजल्ट्स आपको पता है किसके फेवर में था। बट बावजूद इसके पॉलिटिकल विल नहीं है या फिर इच्छा शक्ति नहीं कि लोग इस डिसीजन को लेने से डरते हैं? नहीं, डिसीजन लेने के डरने की कोई बात ही नहीं है। द थिंग इज, विदर्भ के लोगों को स्वतंत्र विदर्भ राज्य चाहिए। अब जैसा आई थिंक 2013 विंटर की बात है, जनमंच नाम की एक संस्था ने, जनमंच ने तो नागपुर में लिया था, अमरावती में आई थिंक हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल और कुछ लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके एक विदर्भ के लिए एक रेफरेंडम लिया था कि आपका ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है, तुम्हारा स्वतंत्र विदर्भ राज्य हवे कि नको। आई थिंक 98% लोगों ने उस पोल में स्वतंत्र विदर्भ राज्य को अपनी पसंद दी थी। उसके बाद नागपुर में ये रेफरेंडम दोहराया गया, वहाँ पर भी तकरीबन 97.2% या 3% लोगों ने किया। इसके बाद ये चंद्रपुर में किया गया, सेम रिजल्ट, यवतमाल में किया गया, सेम रिजल्ट। तो लोगों के मन में विदर्भ है। और हाँ, मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप इस, आपके वो वीडियोज अभी भी अवेलेबल है, आपके पास भी अवेलेबल होंगे, कि दिस पोल वॉज कंडक्टेड इन अ वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, कि आप 18 साल के ऊपर रहने चाहिए, आपका वोटर कार्ड चाहिए, आपका कोई ना कोई आईडी चाहिए, एक इंसान उसके हाथ पे इंक भी लगाई गई, एक सिस्टमेटिक मैनर में किया गया था। लेकिन ऐसा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसका फायदा ले लिया, वो आगे बढ़ गए, जैसे ही उनके हाथ में मुंबई और दिल्ली की सत्ता आ गई उन्होंने स्वतंत्र विदर्भ राज्य का मुद्दा छोड़ दिया। आपके भी कई सारे इंटरव्यूज भी पढ़े मैंने, तो उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा जब हमें पता है कि हमें चाहिए क्या है, आप भी फाइट कर सकते हैं, आप लोग भी अपनी एक पार्टी बना सकते हैं, तो आप कहाँ कम पड़ते हैं इन दो नेशनलिस्ट या फिर बड़ी पार्टियों के सामने, आप कहाँ कम पड़ते हैं, आपको क्या लगता है क्या ड्रॉबैक्स हो जाते हैं? सर, हम लोग जो सबसे ज़्यादा, हम लोगों में शायद जो ड्रॉबैक तो नहीं बोलूँगा मैं, पर जिसकी चीज़ की कमी है वो है रिसोर्सेस। ओके। हम, मैं भी अभी 16-17 साल हो गए इस आंदोलन में, तो 2004 से जुड़ा हुआ हूँ। एक पेपर में मेरा फ़ोटो छपा था और वो मुझे घर से किसी ने निकाल के दिया, तो मेरे ध्यान में आया, मजाक मजाक में 17 साल हम लोगों ने इसमें मतलब काम करते कर अपना समय दे दिया है। हम रिसोर्सेस में कम पड़ते हैं। दूसरा, हम एक किसी स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकिंग कि हमको बहुत बड़ी कोई नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टीज का क्या आश्रय है आपने देख लिया, मतलब उन्होंने इस चीज़ को भुनाया, बहुत आगे गए, यूटिलाइज करवा लिया, और इस वजह से क्या हो रहा है, कि हमारे जैसे लोग जो अभी ग्रेजुएट्स में, मैं इलेक्शन लड़ा, मैं हारा, लेकिन हाँ
विदर्भ का मुद्दा हम लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। जी हाँ, जला के रखी है मशाल, आज नहीं तो कल इसकी लौ बड़ी होगी, लौ बड़ी होगी। तो ये एक मुद्दा, यही हमारा यश है, राइट? यही हमारा यश में ये बात तो है, यस। और हमको ये करते रहना पड़ेगा। इससे पहले भी कोई कर रहा था, आज हम लोग कर रहे हैं, कल भी कोई करेगा। स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग जाएगी नहीं। और हाँ, फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है अमोल, फर्क पड़ता है, राइट? अब हम ग्रेजुएट सिलेक्शन लड़े, हमने चीख पुकार के, हम सिर्फ विदर्भ के मुद्दे पर, एक ही हम सिर्फ डेवलपमेंट पे, हम सिर्फ स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए लड़ रहे हैं। हम कम से कम लोगों के कान तक तो गया, राइट? राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। होगा तब होगा, लेकिन वो शेर तो मुझे पूरा मालूम नहीं, पर शायद अटल बिहारी वाजपेयी का है, और हमारे माजी मुख्यमंत्री उसको हरदम बोलते रहते थे कि तेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ही सही, आग तो जलनी चाहिए। ये हम हैं, इस बात के लिए हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस चिंगारी की कभी ना कभी लौ बड़ी होगी, हाँ। और एक बड़ा धमाका होगा, होगा, होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्रवीण वर्धापुरकर जी, जो कि लोकसत्ता के एडिटर थे, उनका एक ब्लॉग पढ़ रहा था मैं, जिसमें उन्होंने कोट मेंशन किया था कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनका ये स्टेटमेंट है कि हम लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है कि हम जो है अलग या फिर सेपरेट विदर्भ बनाएं। तो इसको किस तरीके से लेंगे और क्या टेक होगा आपका इस पर? मैं गडकरी जी से पूछना चाहता हूँ, मतलब मेरी उतनी तो हैसियत है नहीं, बट आपने ये विषय निकाला है और प्रवीण वर्धापुरकर साहब ने कहा है कि फाइनेंशियली विदर्भ राज्य स्टेबल होगा कि नहीं। मैं इस चीज का, उन्होंने कहा कि हम उतने स्ट्रांग नहीं है कि हम अलग होकर अपना सेपरेट काम कर सके। ओके ओके, ये उनका सवाल है। मैं गडकरी जी से आपके मार्फत पूछना चाहता हूँ, मैं उतना बड़ी हैसियत नहीं रखता कि मैं उनसे, और दूसरा एक यह है कि बचपन से हमने रामायण महाभारत भी बड़े चाव से देखी है, और हमारे घर में थोड़े वो संस्कार भी इस तरह के है कि उसमें हमने देखता था कि महारथी महारथी से लड़ता था, रथी रथी से लड़ता था। तो एक प्रोटोकॉल है, हम तो एक सिंपल यू नो फुट सोल्जर्स है, एक सामान्य सैनिक है। बट सिंस आपके चैनल, आपका चैनल तो किसी भी चीज़ की बराबरी कर सकता है, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हो इस लोकशाही के। मैं गडकरी जी से आपके थ्रू पूछना चाहता हूँ कि गडकरी जी, आपने 2000 साल में उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, और आपने बिहार से निकाल के झारखंड बनाया, झारखंड बनाया। जब 2014 में ये बनाया गया था तेलंगाना, तब आपने फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात निकाली थी क्या? मुझे एक स्टेट बताइए सर जो इस देश में फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर बनाया जाए, राइट? ये सिर्फ बहाने हैं। और दूसरी, अब मैं आपको बात बताता हूँ, चलिए मैं, ये एक तो जवाब दे दिया मैंने, ये तो इमोशनल और पॉलिटिकल जवाब हो गया। डॉक्टर श्रीनिवास खांडेवाले और डॉक्टर आरएल पितळे, डॉक्टर श्रीनिवास खांडेवाले सर एक फेमस इकोनॉमिस्ट, राइट? और डॉक्टर आरएल पितळे वॉज एन IES officer, Indian Economic Services officer, and he was advisor to the government of India. ये साहब जब रिटायर हुए, मतलब RL पितळे साहब, डॉक्टर RL पितळे साहब, वो नागपुर से ही आते हैं। डॉक्टर RL पितळे साहब जब रिटायर हुए, तब उन्होंने 2010 और 2011 का विदर्भ का सेपरेट बजट प्रस्तुत किया था। जो महाराष्ट्र का बजट आता है उसके बेसिस पे 2010 और 2011 का बजट पेश किया गया था, जो 260 करोड़ से सरप्लस था, राइट? उसी बात को आगे चलाते हुए डॉक्टर श्रीनिवास खांडेवाले सर ने आई थिंक 2014-15 में विदर्भ का बजट प्रस्तुत किया, जो तकरीबन 1200 करोड़ से सरप्लस था डे वन से। और तीसरी बात, उन्होंने जब GST लागू किया गया 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर में, तब उन्होंने GST के बेसिस पे विदर्भ का बजट किया, जो तकरीबन 2000 करोड़ से सरप्लस था। अमोल, आप एक इस बात को क्यों नज़रअंदाज करते हो? विदर्भ और नागपुर ही एक में वो जगह है कि अगर स्वतंत्र विदर्भ राज्य आज शाम को पार्लियामेंट में डिक्लेयर हो जाता है तो कल सुबेरे से यहाँ से फंक्शनिंग चालू हो सकता है। विधान भवन आपके पास है, प्रशासकीय इमारत आपके पास है, एक राजधानी को लगने वाले सारे फैक्टर्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग से यहाँ पे काम शुरू कर सकते हो। झारखंड सरकार को, केंद्र सरकार को लिखना पड़ा था कि हमको हमारी विधानसभा बनानी है, दो एक हज़ार करोड़ दीजिए। आप चंद्रबाबू नायडू का उदाहरण लीजिए, वो सेपरेट आंध्रा के चीफ मिनिस्टर बने, वो अमरावती उनकी राजधानी बनाने के लिए उनको कितना लड़ना पड़ा, उनको कितना खर्चा करना पड़ा। यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं है, डे वन से
मान लीजिए आज का क्या आज शुरू हो रहा है, कमिंग मंडे से यहाँ का सीएम, यहाँ का डिप्टी सीएम क्या बनाना है, अब हर चीज तैयार है। ये जगह एक राजधानी हुआ करती थी और दुनिया का ये पहला एग्जाम्पल है कि किसी शहर को राजधानी का दर्जा निकालकर उसको उपराजधानी का दर्जा दिया गया है। राइट, तो एक नागपुर का रहवासी होने के नाते ये हमारे लिए भी शर्म की बात है कि अभी हमारा एक फर्स्ट क्लास स्टेटस हुआ करता था जो अभी सेकंड क्लास स्टेटस हो गया है। बिल्कुल, वी शुड फील सॉरी अबाउट इट। बिल्कुल, एक डिजिटल पोर्टल को आपने इंटरव्यू में दिया था, उसमें आपने कोट किया था कि इन केस अगर हम पावर में आते हैं तो मैं खुद एक सेल्समैन बनूंगा, मैं जाऊंगा, मैं इंडस्ट्रीज लाऊंगा मियान में, और सबसे बड़ा इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है अपने यहाँ पर। तो इस बारे में क्या देखते हैं आप अपने यहाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो है, पर उतने पैमाने पर नहीं है, और हम भी देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपको वापस इसमें दो फैक्टर्स में आपको बताता हूँ। मैं नहीं जानता आप कहाँ रहते हैं, मैं नहीं जानता ये साहब या फिर आपके कैमरामैन किस बिल्डिंग में रहते हैं। आप जिस भी गली में रहते हैं, आप अपने गली के 10 घर और आपके सामने वाले गली के इन 20 घरों का एक सर्वे करवा लीजिए। इन 20 घरों में से 16 घर के बच्चे या तो बेरोजगार है या पूना मुंबई में है, ये बात तो हर कोई मानता है। दूसरी मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि एक इंडस्ट्री के लिए लगता क्या है, लैंड। आपका यहाँ स्टूडियो जिस जगह है, आप नागपुर के चारों दिशाओं में, विदर्भ में कहीं भी चले जाइए, अबंडेंट लैंड अवेलेबल है, हमारी एमआरडीसी खाली की खाली पड़ी हुई है। राइट राइट राइट। दूसरा क्या लगता है, पानी। विदर्भ एक में वो रीजन है, यहाँ हमारे यहाँ पानी की किल्लत रहती है, हमारे क्रॉप्स को पानी नहीं मिलता है, लेकिन विदर्भ एक में वो रीजन है जो तापी और वैनगंगा इन दोनों बेसिन्स में आता है, इन दोनों बेसिन्स में आता है। तो हमारे यहाँ इतना पानी अवेलेबल है, अगर उसका पूरा पोटेंशियल अगर हमने टैप किया तो तकरीबन हमारी 75% ज़मीन इरिगेशन में आएगी और इंडस्ट्रीज और लोगों को भी पानी मिलेगा। तो दूसरा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की 75% इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ बनाते हैं और वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में पूना मुंबई में जाके खर्चा होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ के इंडस्ट्रीज को अगर कम पैसे में दी जाए, सब्सिडी के साथ दे तो क्यों, सब्सिडी के साथ, सब्सिडी में देने की भी जरूरत नहीं है। आपका ये स्टूडियो है, यहाँ आपको पर यूनिट रेट 11 से 12 रुपए पड़ता है, इंडस्ट्री को 15 से 16 रुपए पड़ता है, जबकि विदर्भ में जो चंद्रपुर, कोराडी, खापरखेड़ा इन थर्मल पावर प्लांट्स में जो एनर्जी बनती है वो 2 रुपए 60 पैसे में बनती है। आप 5 रुपए 20 पैसे से 100% प्रॉफिट लेके बेचिए तो भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी। राइट, द थिंग इज वी डोंट हैव अ पॉलिटिकल विल। हमारे यहाँ का लीडर मुंबई में जाके सीएम बनता है और वो डिक्लेयर कर देता है, अब मैं सारे महाराष्ट्र का सीएम हूँ, मैं सारे महाराष्ट्र का विकास देखूंगा। ये लीडरशिप का जो फर्क है हमारे यहाँ की और वेस्टर्न महाराष्ट्र की लीडरशिप में, ये सबसे बड़ा फर्क है। ये इसी वजह से हम लोग पीछे हैं। और सेपरेट स्टेट बनने से मुझे और एक बात, मतलब आपके चैनल के मार्फत से मैं लोगों को पूछता हूँ, अगर कल सेपरेट स्टेट बन जाता है तो आप इतना बोल रहे हो कि दो भाई अलग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। भाई आप मुझे बताइए अमोल, कि आपको नागपुर से मुंबई जाने के लिए कोई पासपोर्ट वीजा लगने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। रायपुर से लोग भोपाल नहीं जा रहे क्या? बिल्कुल। देहरादून से लखनऊ नहीं आ रहे क्या? आते हैं, जाते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू कैपिटलाइज कि नहीं नहीं आप दो मराठी भाइयों को अलग मत कीजिए, आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे लेकिन उसको आप इमोशनली ब्लैकमेल भी करते रहेंगे। राइट, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, बस। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। मैं इसी बात पर आने वाला था, आप ही ने खुद उसके बारे में जिक्र किया। देवेंद्र जी जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उसमें ये भी एक सब्जेक्ट था, बट जैसे कि आपने बताया कि शपथ विधि हो गई सारी, क्या लगता है आपको वो प्रेशर होता है बाकी दूसरे जगहों से कि, या फिर अपने तरफ से ही ऐसे मैसेजेस जाते हैं कि नहीं ये डिसीजन शायद अपने लिए हानिकारक हो? इस बात का सवाल उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नहीं, फिर भी आप, मतलब मैं कहूँगा कि आप उनको काउंटर करते हैं, बेसिकली आप अपनी राय रखते हैं बेबाकी से। मैं अलग एक थोड़ा अलग टॉपिक पे आपको लेके जाना पड़ता हूँ और शायद उसमें आपको जवाब मिल जाए। ओके। देवेंद्र जी 31 अक्टूबर 2014 दोपहर 3:59 तक विदर्भवादी थे। 4 बजे उन्होंने शपथ ली और उन्होंने बोल दिया कि मैं सारा महाराष्ट्र का हूँ। मैं वापस आपसे बोलता हूँ कि मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके ऊपर टिका करूँ, बट इस चीज़ का जवाब मुझे बहुत जल्दी मिला। उसी साल फिर इनका जो चेंज इन बॉडी लैंग्वेज, विदर्भ के बारे में बाद में विचार करेंगे, अभी शिवसेना हमारे साथ नहीं है, ऐसा है गवर्नमेंट में, आज तो वो भी टेंशन नहीं है आपको, बराबर है? तो इसी चीज़ में, और बीइंग अ फिल्म, एक मैं काफ़ी फिल्में देखने का शौक है, तो आप AAN मैन एट वर्क करके मधुर भंडारकर साहब की एक बहुत ब्यूटीफुल मूवी है। मधुर भंडारकर, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है, फिल्म फेयर है चांदनी बार, और फैशन जैसे अच्छे पिक्चर्स उन्होंने बनाए हैं, तो और शायद एक कॉरपोरेट पे भी उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर, रियलिस्टिक फिल्में बनाते हैं। तो उस रियलिस्टिक बंदे ने एक पिक्चर बनाई थी आन मैन एट वर्क, बहुत सुंदर स्टार कास्ट थी आपकी। माफ कीजिए मैं आपका 2 मिनट लूंगा, बट इस चीज का आपको आपको और आपके लोगों को जवाब मिलना चाहिए। तो आन मैन एट वर्क करके मैं एक बार मूवी देख रहा था रात को अकेला बैठ के, हैविंग माय टाइम देख रहा था। तो उसमें ऐसा होता है कि दिल्ली से या फिर कहीं से बदल के अरूप पटनायक नाम का एक ऑफिसर मुंबई में एज अ ACP या DCP क्राइम करके कुछ आता है, और पहले दिन वो पठान करके एक वहाँ का जो गैंगस्टर रहता है पठानवाड़ी में रहने वाला, वो दैट वाज प्लेड बाय मिस्टर इरफान खान, जिनकी डेथ हो गई, इरफान खान थे, इरफान खान साहब ने बहुत अच्छा रोल किया था। तो उस वहाँ पे जाके वो उसको धौस दे के आते कि तू अपने सारे धंधे बंद कर, नहीं तो मैं अंदर कर दूंगा, और 24 घंटे का उसको अल्टीमेटम दे के आते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग्स है, उसके डायलॉग भी बहुत अच्छे लिखे। तो वाप तो उसके साथ वाला जो पूरा महकमा रहता है, मतलब उसमें देखिए बहुत स्टारकास्ट भी बहुत अच्छी थी, बड़ी स्टारकास्ट थी, शत्रुघ्न सिन्हा, फिर सुनील शेट्टी, परेश रावल जी और अजिंक्य देव, ये सारे लोग थे। तो उसमें ये जो दो उनके साथ के जो उनके सबॉर्डिनेट्स रहते हैं, जो शायद कांस्टेबल या फिर वो पुलिस के लेवल के रहते, वो दोनों बैठ के बात करते रहते शायद किसी बार में कि मियाँ अपना ये कड़क नया ऑफिसर है, ये बहुत कड़क नहीं शब्द, तो द डायलॉग इज कि सर ये जो अपना नया ऑफिसर है ये तो बहुत ज़बरदस्त लोहा है, देखा नहीं आते से कैसे पठान का ऐसा ऐसा कर दिया। तो जो दूसरा सीनियर पुलिस ऑफिसर रहता है जिसने दुनिया देखी हुई रहती है, तो वो चने खाते वक्त तो उसका एक डायलॉग है, और आप ज़रूर देखिए उस पिक्चर को, कि उसमें बोलता है ये मुंबई की खारी हवा है मियाँ, ये मुंबई की खारी हवा है मियाँ, ये अच्छे अच्छे लोहे में जंग लगा देती है। और ये सीन देखते सही अमोल आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में हमारा एक्स चीफ मिनिस्टर, हमारा एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स स्टेट होम मिनिस्टर, एक्स एनर्जी मिनिस्टर, इन सब की फोटो आ गई। और उस दिन मुझे अपना जवाब मिल गया। मैं बहुत बेबाकी से आज बोलना चाहूँगा कि लोग विदर्भ के मुद्दे का वापर सिर्फ और सिर्फ सत्ता लेने के लिए करते हैं, और जिस दिन इनको दिल्ली और मुंबई की हवा लग जाती है ये विदर्भ को भूल जाते हैं। ओके। मैं ये कहूँगा NMC इलेक्शन से, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछूँगा
बार बार याद दिलाना पड़ता है कि बेनिफिट्स क्या होंगे right. हमारे लोगों को. तो मैं चाहूँगा उस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें, थोड़ी रोशनी डालें कि अगर हम लोग सेपरेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाते हैं, तो बेनिफिट्स क्या होंगे जो लोकल है हमारे नागपुरियंस उनको. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि विदर्भ में सबसे कमी आज अगर किसी चीज़ की है, दैट इज़ अगर हम एकदम यू नो हर लेवल का मुझे बताना है फिर, कि अगर आप ये ले तो आपको सबसे पहले फार्मर जी. आज विदर्भ के फार्मर का सबसे बड़ा दर्द क्या है, उसको बैकयार्ड में बिजली बनती है लेकिन उसको 8 से 12 घंटे का लोड शेडिंग रहता है. राइट राइट. विदर्भ का फार्मर मैं आपको बताता हूँ, हम लोग तो मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, उन लोगों का कहना है आपको हमको 12 घंटे बिजली देनी है, 8 घंटे बिजली दीजिए, दीजिए, आपको पूरे स्टेट का ख्याल रखना है, लेकिन बता के तो दीजिए, एटलीस्ट एटलीस्ट बता के तो दीजिए. हम लोग रात को 2 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक वो लोग काम करते रहते हैं. जो जाके अपने खेत में काम करता है वो फार्मर सही में काबिले तारीफ है. राइट, नो डाउट. ठीक है, उसमें उसके पास इरिगेशन नहीं है. सबसे पहले विदर्भ के फार्मर्स को अगर कुछ मिलेगा तो इरिगेशन, जो मतलब बेसिक सिंचाई के लिए जो है, क्योंकि अपने यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है कि अपने यहाँ सिर्फ ड्राई लैंड फार्मिंग होती है. जी हाँ जी. विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून. बिल्कुल, क्योंकि और यूजुअली वैसे और आप, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, मेरे फादर और हमारे, हम तो फार्मर कम्युनिटी से आते हैं, तो मैं एक बात बता दूँ कि सिर्फ एक पानी ज़्यादा हो गया या फिर एक पानी कम हो गया, इस वजह से लोगों को नुकसान होता है और फार्मर सुसाइड्स होती है. बिल्कुल, तो ये एक मुद्दा हो गया. दूसरा, तो एक मैंने आपका वाटर का प्रॉब्लम, सिंचाई, और सिंचाई के बाद, सिंचाई का पूरा पोटेंशियल यूज़ करने के बाद आप इंडस्ट्रीज़ को पानी देते हैं, तो जब यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी तो उनके लिए वाटर एंड लैंड दोनों अवेलेबल है. तीसरी बात, यहाँ पे अगर हम 2 रुपये 60 पैसे से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और बगल वाले तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और MP इन स्टेट्स में अगर महाराष्ट्र से रेट कम है, और जो सारी नागपुर की स्टील वगैरह री रोलिंग रोलिंग की इंडस्ट्रीज थी जो आज वहाँ चली गई है, वो सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगी. ये बात तो सही है. ये बात तो फिर अगर इंडस्ट्रीज आएंगी तो नौकरियाँ करने के लिए चांस है तो इंसान आने वाला नहीं है. विदर्भ के लोगों को ही ये मिलेगा. चौथी बात मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि जैसे हम नागपुर करार की बात करते हैं, तो नागपुर करार का एक कलम 8 था, मराठी में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एंड आई एक्सप्लेन टू यू. शासनाकडील व शासन नियंत्रित उपक्रमांमधील सर्व श्रेणीतील नोकरी भरतीच्या वेळी संबंधित घटकांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. मतलब जो करार करके हम महाराष्ट्र में शामिल हुए थे उसमें एक लिखा हुआ था कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमको उस प्रपोर्शन में विदर्भ के लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए. बराबर है. तो अपनी पॉपुलेशन कितनी है, विदर्भ वालों की 23%, मराठवाड़ा वालों की 19% एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र इज 58%. तो मेरा गणित जो मेरे को एक सामान्य इंसान को समझता है कि अगर इस राज्य में 100 पुलिस की भर्तियां होनी है तो उसमें 23 तो उसमें से 23 लोग हमारे चाहिए. आई थिंक आप भी उतना समझते हो. हमने इसके अगेंस्ट RTI की, हमने इसके अगेंस्ट RTI की कि कितने लोगों को रोजगार मिला है. आपको जान के आश्चर्य होगा 5-7% लोगों को सिर्फ रोजगार मिला हुआ है. तो स्वतंत्र विदर्भ राज्य बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ के जो 100% जॉब्स हैं, एक तो IAS कैडर है जो सेंट्रल से आता है, डेप्यूटी कलेक्टर से लेके एक सिपाही तक सबको यही मौका मिलेगा, और DCP से लेके एक फॉरेस्ट गार्ड तक 100% नौकरियां विदर्भ और सिर्फ विदर्भ के बच्चों को मिलेगी. ये एक बहुत बड़ा है. आप देखिए, मैं जब भी आपको बताया आपके अपने यहाँ से जो बच्चे पूना मुंबई जा रहे हैं ना, वो ठीक है कम से कम अपना पेट पाल रहे हैं उनके पेरेंट्स, पर यहाँ पे कितने घर में लोग अकेले हैं. बिल्कुल, कितने लोग. तो ये कहीं ना कहीं तो कॉम्पेंसेट होना चाहिए. ये तो कुछ 4-5 मुद्दे मैंने गिना है. अगर आप हमको वक्त दे तो मैं रात भर बात कर सकता हूँ विदर्भ के क्या फ़ायदे हैं. मैं ये कहूँगा कि मैं शुरुआत में भी ये बात कही, फिर एक बार ये बात दोहराता हूँ कि NMC इलेक्शंस है, और जैसे कि आप तकरीबन कई साल से फाइट कर रहे हैं कि हम लोग सेपरेट हो जाए, तो अभी इलेक्शंस है तो ऐसे में आप लोग फिर कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे अपनी तरफ से एक पॉलिटिकल अपना एक पक्ष बनाकर या फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर, क्योंकि मेरे ख्याल से यही एक जरिया होगा कि आपको जो राइट्स चाहिए, जो हक चाहिए, वो इजीली आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यही वो लोग रहेंगे जो वहाँ खड़े होकर आपके लिए फाइट करेंगे.
आपकी बात एकदम सही है। आपको जान के खुशी भी होगी कि आज विदर्भ के लिए पॉलिटिकल जो दो तीन पार्टियां बन चुकी है और अच्छे लोगों ने बनाई है, एडुकेटेड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जैसे श्रीहरि अणे सर जो है, जो माजी महाधिवक्ता थे स्टेट के, उनके गाइडेंस में एक विदर्भ राज्य आघाड़ी करके एक पार्टी बनी है। राजकुमार जी त्रिपुड़ ने विदर्भ माझा करके एक पार्टी बनाई है। फिर अभी जो रामभाव नेवले जिनका निधन हुआ गेले 17 तारीख को, जय विदर्भ पार्टी करके आई है। अब हम सब लोग एक होके लड़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेंट देंगे, और ये एक प्रोसेस शुरू हो गई है अभी। मैं आपको बता, ग्रेजुएट्स इलेक्शन में भी हमने डिक्लेयर किया था कि इसके बाद आने वाले जो इलेक्शन वो हम लड़ते रहेंगे। और हाँ, गांधी जी सेड फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन फर्स्ट दे लाफ एट यू, देन दे इग्नोर यू, देन दे फाइट विद यू एंड देन यू विन। कब तक? देखिए, अगर 100 साल से चल रहा है तो हम लोग भी अगले 100 साल के लिए लड़ते रहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट हाँ, मैं एक बात बताता हूँ कि अभी जो धार, अभी जो अवेयरनेस, अभी जो लोगों में एक विदर्भ के प्रति एक जागरूकता आई है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है। लोग क्या है, एट द एंड सुन सब लेते हैं, देख सब लेते हैं, फिर आखिरी में इट गोज ऑन कास्ट, मेरा आदमी तुम्हारा आदमी। नहीं, राइट, बट ठीक है, लोग कहीं ना कहीं तो सोचेंगे। मैं कहूँगा कि कोरोना का समय उतना अच्छा नहीं रहा, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर लिया। विंटर सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दूसरा विंटर सेशन होगा जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, तो इस पर आपका क्या टेक है? मतलब इट्स मतलब सच में कोरोना के वजह से या फिर कोई और वजह है कि जो चीफ मिनिस्टर है सीएम साहब वो आना नहीं चाहते नागपुर? मैं बहुत दुख के साथ एक बात ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये 100% विदर्भ के अगेंस्ट है। नहीं, नो डाउट, एवरीवन नोज दैट, एवरीवन नोज दैट, ओके, इट्स गुड। और एक बात है, मैं जो यू नो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस समटाइम्स, समझना पड़ेगा के बीच में, बीच में इन लोगों ने एक अपना माइंडसेट बना लिया है, कुछ लोगों को छोड़कर, कि पिछली गवर्नमेंट ने विदर्भ को बहुत कुछ दिया जबकि कुछ नहीं दिया। उल्टा पिछले 5 सालों में विदर्भ का बैकलॉग बढ़ाई है, मैं डंकी की चोट पे बोल सकता हूँ, बैकलॉग बढ़ाया है। जो सरकारी नौकरियां थी ना, हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने विधानसभा में डिक्लेयर कर दिया कि विदर्भ के लोगों को 23% नौकरियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे आंकड़े ये दिखाते हैं कि 26.28% नौकरियां मिल चुकी है। मतलब दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लंडर दे हैव क्रिएटेड। और मैं एक बात शायद आपको बताता हूँ अमोल, और ये दुख की बात है, शायद ये ऐसा ही सिलसिला अगले 2-3 साल चलेगा, चला सकते हैं ये लोग, और एक दिन ऐसा होगा कि हमको, हम जो अभी विधान भवन में मोर्चा लेके जाते थे कि स्वतंत्र विदर्भ राज्य बनाओ या फिर हमारी विदर्भ की ये मांगे पूरी करो, शायद कुछ सालों में हमको मोर्चा निकालना पड़े कि आप यहाँ पे अधिवेशन लो करके, एंड दिस गवर्नमेंट कैन डू इट, आई एम वेरी श्योर। हाँ, नागपुरी मेरे ख्याल से एक ऐसा शहर है जहाँ पर मोर्चे वहाँ तक विधानसभा तक पहुँचते, मुंबई भी निकलते हैं, बट इतने बड़े बड़े पैमाने पर नहीं आते। आखिरी सवाल पूछूंगा, उसके बाद समअप करूंगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही इसका जिक्र किया, NMC इलेक्शन से कितनी सीटों पे लड़ेंगे, अगर लड़ना चाहेंगे तो क्या रणनीति होगी अपनी और क्या काउंटर होगा अपना? नहीं देखिए, NMC चुनाव लड़ना है ये तो विदर्भवादी पार्टियों ने डिसाइड कर दिया है, बट एक बात है कि अभी 17 तारीख को जो रामभाव नेवले साहब की डेथ हुई उस वजह से हमको थोड़ा सेटबैक हुआ है। अभी तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि ये जो लोकसभा में नित्यानंद राय साहब जो अपने गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने जो डिक्लेयर किया है, सबसे पहले तो उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। उन्होंने झूठ बोला है, मैं आपको बता दूँ, सदन के हाउस पर उन्होंने झूठ बोला है कि विदर्भ के लिए कोई प्रस्ताव नहीं करके, वो भूल गए कि उनकी पार्टी ने खुद भारतीय जनता पार्टी में 1997 के भुवनेश्वर अधिवेशन में स्वतंत्र विदर्भ राज्य का ठराव पारित किया है। वो भूल गए कि उनके महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने आमगांव से खामगांव तो कितनी बार यात्राएं निकाली है, और वो ये भी भूल गए हैं कि उनके पार्टी के माजी अध्यक्ष, कोई सामान्य इंसान नहीं, बराबर कोई सामान्य इंसान नहीं, उनके पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट और आज के केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने रिटर्न एफिडेविट दिया हुआ था कि अगर मैं चुन के आता हूँ और अगर 2014 के बाद मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो मैं स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए हम बनाएंगे करके। ये बात वो भूल गए,
वो तो हम शुरुआत से इस बात पर, मतलब मुंबई दिल्ली की हवा कितनी खराब है ये हमको चैनल्स देख के नहीं, हमारे लीडर लोगों का नजरिया देख के पता चलती है। मैं कई सारे लोगों से बात करते रहता हूँ और मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत बेबाकी से बिना डरे बात करते हैं, और आज भी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने सारे विषयों पर, मैं कहूँगा दिल खोल के, मतलब एकदम बात की, मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। तो नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे विदर्भ के लिए सोचे आप जैसे लोग, क्योंकि ऐसा है कि एक तरफ से स्लो चले, वो कहते हैं ना कि चलना बड़ा ज़रूरी है, सफ़र चलते रहना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आप आए, समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए विदर्भ की बात चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग फेसबुक या फिर यूट्यूब पर अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपकी कोई भी राय पॉजिटिव नेगेटिव तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, या कुछ क्वेश्चंस भी हो तो विदर्भ के बारे में, कुछ क्वेश्चंस भी हो तो आपके चैनल के मार्फत हम आंसर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप GTPL या फिर ACN न्यूज़ पर यह प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको बता दूँ हम लोग फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों जगहों पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूँ, लेकिन सबसे खास बात, आप लोग खुद का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।